Next, an organic compound contains 69% carbon and 4.8% hydrogen, the remainder being oxygen. Calculate the masses of carbon dioxide and water produced when 0.2 gram of this compound is subjected to complete combustion. तो यहाँ पे हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया जो 69% कार्बन 4.8% ऑफ हाइड्रोजन और जो रिमेंडर है वो ऑक्सीजन है. हमें कैलकुलेट करना है कि कितना मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस हुआ है जब ये कंपाउंड का 0.2 ग्राम को कंप्लीट कंबशन हम करते हैं तब. तो mass of the compound is 0.2 gram, percentage of carbon is 69%. फिर हम जो परसेंटेज कार्बन निकालने का जो फॉर्मूला है उसे लिख लेते हैं 12/44 इंटू मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बाय मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100. तो मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हमें नहीं पता, मास ऑफ द कंपाउंड पता है और इधर परसेंटेज ऑफ कार्बन भी पता है कि 69. तो उससे जो डेफ ऑफ द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हम निकाल लेंगे दैट इज इक्वल टू 0.506 ग्राम. आपका पहला स्टेप हो गया जिसमें आपने मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट कर ली. फिर दूसरे में देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड. यहाँ पे भी मास ऑफ द कंपाउंड हमने लिख लिया जो कि आपका 0.2 ग्राम है. फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4.8%. फिर हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिख लेंगे 2/18 इंटू मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड बाय मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100. सब कुछ है सिवाय मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड के. तो हम मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि निकलता है कि 0.0864 ग्राम. ये रहा आपका. तो ये इस तरह से हम उस परसेंटेज फॉर्मूला से ही हम यहाँ के दोनों के मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मास ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ वाटर हम निकाल सकते हैं.